खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। मेरठ में थाना रोहटा गांव क्षेत्र के आलमगीरपुर से 3 दिन से लापता चल रही महिला रचना का शव शुक्रवार को टिमकिया रजवाहे गांव महपा के पास से बरामद हुआ। रचना की 6 साल की पुत्री नैना का शव गुरुवार को टिमकिया रजवाहे के गांव खानपुर के पास से पहले बरामद हो चुका है। वहीं पुलिस ने महिला के शव को रजवाहे से निकाल कर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मां और बेटी की मौत कैसे हुई पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। बताया गया कि आलमगीरपुर निवासी संजय का विवाह कुराली गांव निवासी रचना से हुआ था। संजय के अनुसार बुधवार को वे खेत पर काम करने गया था। इस दौरान उसकी पत्नी रचना व 6 साल की बेटी नैना को लेकर घर से निकल गई। खेत से घर आने पर इस घटना का पता चला। बताया कि पत्नी व बेटी को खूब तलाश किया लेकिन दोनों का कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद नैना का शव टिमकिया रजवाहे में बच्चों को नहाने के दौरान खानपुर के पास मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भर नैना का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं शुक्रवार को रचना का शव भी टिमकिया रजवाहे पर ही मिला था।